दिल्ली की सुनहरी मस्जिद के पास इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ सीएबी और को लेकर के एक ज़बरदस्त एहतजाज देखने को मिला है, जहाँ प्रदर्शनकारियों ने एक एकता का पैगाम देने की कोशिश की। जहाँ एक तरफ लोग अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं, तो वहीं सड़कों पर नमाज भी अदा की जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि जो सीएबी को लेकर के जो प्रोटेस्ट जारी है और सरकार अब लाठी डंडों के जोर पर भी बात कर रही है, सर किस तरीके से देख रहे हैं सरकार अपनी तरीके से दमनकारी नीति पर उतर आई? सरकार जो है, सरकार ये समझती है कि ये स्टेट जो डेमोक्रेटिक नहीं है। सरकार ये समझ रही है कि ये स्टेट जो है या तो थियोक्रेटिक है या फासिस्ट है, जहाँ लोगों की आवाज़ों को दबा दिया जाए। थियोक्रेटिक कह के या फासिस्ट कह के डेमोक्रेसी की आड़ में, ये ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ कुछ ना कुछ डेमोक्रेसी यहाँ जिंदा है, लोग यहाँ डेमोक्रेसी को बचाने के लिए खड़े हैं। इसके अंदर न कोई मुसलमान है, न कोई हिंदू है, न कोई सिख है, न कोई क्रिश्चन है, न कोई पारसी है। सर्वधर्म के लोग हैं यहाँ पे, सारे लोग इकट्ठे होकर, मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए लोग हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक प्रेम्बल हमारा सेक्युलरिज्म का है, उस सेक्युलरिज्म का जो प्रेम्बल है, वो प्रेम्बल टूट रहा है हमारा। उस प्रेम्बल को बचाने के लिए, जो बेसिक प्रेम्बल है, उसको बचाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये काला कानून जो एक NRC और CA आया है वो ख़त्म ना हो जाए। एक और कानून लाने की तैयारी की जा रही है, जिसका नाम बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ पे NPR जो आना है अप्रैल 2020 में, जो लागू करना है इनको, और रिलीजियस बेस पे फिंगरप्रिंट्स के अंदर बायोमेट्रिक लेकर जो लोगों को छांटने की स्कीम बनानी है, उस NPR की मुखालफत पहले से करनी है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर 90% लोगों को पता नहीं कि NPR होता क्या है, NPR होगा क्या। NPR एक ये धीरे धीरे, ये कभी CA ला के कहेंगे मुसलमानों के करना, NPR ला के फिर ये रिलीज ग्राउंड पे जो है इसको बांटने की कोशिश करेंगे। मेरा कहना यह है कि सेकुलर एजेंडा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, तो यहाँ पे जो भी सेंसस हो या जो भी रजिस्टर बनाया जाए, वो रिलीजियस ग्राउंड पे क्यों बनाया जाए? यहाँ जो सेंटर बनाया जाएगा वो इस ग्राउंड पे होगा कि वो यहाँ का सिटीजन है, उसका नाम क्या है, बस इतना ही होना चाहिए। वो रिलीजन किस होते उस रिलीजन में किस सेक्ट का है, वो शिया है या सुन्नी है, जैन है, सुन्नी है, क्या है, नहीं, ये अपनी करने का जरूरत है। आज एक आदमी राम है, एक आदमी रहीम है, एक आदमी गोपाल है, एक आदमी जैन है, इंडिया का सिटीजन है। आप उसको बायफ्रिकेट करने की कोशिश में लगे NPR के थ्रू रिलीज में बांटने की कोशिश कर रहे हो, ये सोच रहे हैं कि लोग इसको हजम कर जाएं, लोग सड़कों पर न उतरें। लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, प्रोटेस्ट नहीं होगा, कहीं भी बचाने की तैयारी होगी, तो कल ये NPR भी लागू करेंगे। और NPR जो होगा, मुसलमानों के से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, या इस मुल्क का नुकसान होने वाला है। ये जो है सारा मुल्क का, ये देखना पड़ेगा कि मुल्क कहाँ जा रहा है, मुल्क सेकुलरिज्म की तरफ जा रहा है या कॉम्युनलिज्म की तरफ जा रहा है।
हमारा ये कहता है ऑफिशियल डॉक्ट्राइन ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि मुल्क जो है सेकुलर है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारा ऑफिशियल डॉक्ट्राइन जो बन गया है आज कॉमनल बन गया है। वो सारी बिल सारी चीज़ें कॉमनल ग्राउंड पर सोचता है, वो कभी SC ST की रिजर्वेशन खत्म करता है, कभी CA CCAB बिल लाता है, कभी रविदास के मंदिर को तोड़ता है, कभी कुछ करता है। उसको इनको ये ब्रह्मनिज्म एक ब्रह्मनिज्म की जो डिफिनेशन है मनुवाद मनुस्मृति के जो वर्णा सिस्टम है, जो ब्रह्मन शैज वैश शुद्र की जो बातें करते हैं, जो स्वर्ण क्लास हैं ब्रह्मन शैत वश, ये चाहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मनिज्म कायम हो। तो ब्रह्मनिज्म कायम होने में हमें ये देखना है कि मुसलमानों को नुकसान तो कम होगा, ब्रह्मनिज्म कायम होने में उन औरतों का जो किसी भी सेक्ट से आती हों, चाहे वो ब्रह्मन हो, चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, उनको सती होना पड़ेगा, शूद्रों को आबादी से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आबादी में आ जाएंगे तो उन्हें कान में सीसी मिलाकर डाल दिए जाएंगे। मामला हमारा नहीं, हमारा मामला तो ये है कि हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। इस्लाम दावत देता है कि हर मुसलमान मुसलमान है, मुसलमान नहीं, हर भाई इंसानियत पैगाम देता है। हमारा नबी जो है मुसलमानों का नबी नहीं है, वह मारसलना का रहमतुल आलमीन, हमने तुमको दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा है। मुसलमानों की किताब कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है, मोहम्मद मुसलमानों का रसूल नहीं है, पूरी दुनिया के रसूल है। कुरान जो है पूरी दुनिया की किताब है, मुसलमानों ने समझ रखा है मेरी किताब है, नहीं, सभी किताब है। आपको सबको इसके अंदर प्रेम्बल में आना पड़ेगा, सब लोगों को एक नज़र देखना पड़ेगा। पहले लोग इंसान है, उसकी भी दो आँखें हैं, उसके भी दो पाँव, वो भी हमारी तरह चलता मन के बोलता है समझता है। वो अगर वो कोई दूसरा काम करता है, हम लोगों को ये पैगाम देना चाहेंगे, चाहे हमारे हिंदू भाई हों, चाहे मुसलमान भाई हों, चाहे जैन भाई हों या क्रिश्चियन भाई हों, हम किसी को अछूत न बनाए, अनटचेबल न बनाए, हम किसी को भंगी न कहें, हम किसी को चमार न कहें, हम उसका नाम कुछ तो नाम होगा उसका, हम उसके नाम से लेके बुलाएं, उसको इज्जत दें, उस अपने बैठाएं। तो इस्लाम हमें दावत देता है कि हर आदमी बराबर है। हमने अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ हमने ज्यादा की, हम मुसलमानों ने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ ज्यादा की, हमने भी उनको भंगी कहा है, हमने भी उनको चमार कहा है, हमने भी उनको नाम से नहीं, हमने भी उनको इज्जत नहीं दी। इसलिए हमारे साथ जो हो रहा है, हमने रसूल के पैगाम को छोड़ा है, इसलिए हमारे साथ जो कुछ हो रहा है। हम आज भी दावत लोगों से कहते हैं कि किसी भी बालत में उड़ जाओ, तफरीक से उड़ जाओ, जो भी गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं, चाहे हमारे अपने भाई हैं, सब तरह से उड़ जाओ, और हर आदमी को नाम से लेकर बोला इज्जत के साथ तकरीम दो, उसको इज्जत दो, इंशाल्लाह इस मुल्क में जो बाहर आ। ये देखा गया है लगातार कि जामिया हो चाहे AMU हो, असलमपुर में भी यही हुकूमत बताने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ मुसलमान ही इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान के लोग इसके अंदर शामिल हैं, और सब ये चाहते हैं कि इसके खिलाफ ये जो कानून बन रहा है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और इस कानून को बंद किया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार कैमरे को घुमा करके कि कुछ लोग मुसलमान यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी के जो लोग खड़े हुए हैं वो सभी तरह के लोग हैं। इसके अंदर सभी को ये बात बुरी लग रही है, सबको गलत लग रहा है, सबका नुकसान होगा अगर ये लागू होता है कानून, और इसके ऊपर अगर अमल किया जाता है तो इससे सारे हिंदुस्तान का नुकसान होगा। इसलिए सबको परेशानी है, सब यहाँ पर अपने अपने परेशानी को लेकर यहाँ खड़े हुए हैं कि किसी तरह ये जो है कैंसिल हो जाए। ये देखा गया है कि जब जब प्रोटेस्ट की आवाज़ उठती है, डंडों के जोर पर सरकार बात करती है, जामिया मिलिया मिलिया पीछे नमाज़ हो रही है, इसी तरीके की खबरें। मेरा मानना ये है कि सरकार जो है वो बिल्कुल डर चुकी है लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों से, और वो जान चुकी है कि सारे हिंदुस्तानी जो है इसके विरोध में है। इसलिए जब डर जाती है सरकारें तो इसी तरह से जो है कमन चक्र चलता है, और ये डेमोक्रेसी को कुचलने के लिए, दबाने के लिए ये किया जाता है, और गलत मैसेज देने के लिए कि देखो लोगों की तरफ से ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि सभी को अभी एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है, या जो तकरीरें लगातार चल रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई अपने तरीके से बातें कह रहा है, क्योंकि जो हवा बनाई गई को अभी जो है इतिहाद की जरूरत है। अगर मुल्क अब इतिहाद नहीं करेगा तो मुल्क जो है टूटने के दहाने, मुल्क फासिस्ट ताकतों के हाथ में जा चुका है। अब उस मुल्क को उस ताकत से बचाने की कोशिश में लाना पड़ेगा, समझा। यहाँ पे अकबाल कहता है, जतो महकम अमल पहले मोहब्बत बात है आलम, जहाद जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें। आपको हमेशा अमल पहम करना पड़ेगा लगातार, आप अमल पहम मतलब ये प्रोटेस्ट जो है लगातार आपको करते रहना पड़ेगा, सड़कों पे आते रहना पड़ेगा, लेकिन
हमारा ये मशवरा है लोगों से, आप किसी पे जुल्म न करें, आप किसी पे हाथ न उठाएं, आप किसी को गाली न दें, आप अपना प्रोटेस्ट बड़े शाइस्ता तरीके से, बड़े अच्छे, बड़े महजब अंदाज से लोगों के सामने पेश करें, और पुलिस अगर आपको मारने के लिए आते आप अपना हाथ पीछे कर लें। इसी मैसेज जाएगा कि पुलिस निहत्ते हाथ निहत्ते लोग कितनी गोली चलाएगी। जो जामिया में कांड जो जामिया वाकया हुआ है, कि जलिया वाला बाग को दोबारा जिंदा करता है, वो जनरल डायर का हुक्म था या अमित शाह का हुक्म था? ये शाह जो है मोदी शाह पूरा का एजेंडा लागू करने पर उतारू हो चुके हैं, जिसकी तस्वीरें अब लगभग दोस्तों। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस डेमोक्रेसी से सिर्फ पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया में नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी भाई लोग, कोई हिंदू है, कोई पंजाबी, कोई सिख है, सब अलग अलग देशों में रह रहे हैं। अगर उन्होंने यही प्रोपेगेंडा उन्होंने भी अपना लिया इसको लेकर के, तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो हमारे भाई बाहर गए हैं काम करने के लिए? आप इस बात को भी ज़रा गौर से सोचें। तो इससे नुकसान पूरे हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले निवासियों का भी है। मैं इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल इनकलाब के साथ कहता हूं कि कैब और एनआरसी को बैन करा जाए। इनकलाब के साथ लोग ये नारा लगा रहे हैं, और इसी के साथ साथ मेनस्ट्रीम मीडिया की भूमिका पर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं, क्योंकि जब देखा गया जामिया में खुद ही पुलिस वाले बसों को जलाते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और फिर हिंसा की बात जामिया के छात्रों पर करना, और सिलमपुर में भी इसी तरीके की बातें कह रहे हैं। हाँ जी, ये तो गलत ही हो रहा है ना। अब वो देखा वो कैद पुलिस वाला कैद लेकर जा रहा है आग लगाने के लिए, ये तो जो है ना खाना खा के बदनाम करे जा रहे हैं कि भाई जो है ये जामिया के बच्चों ने करा। इस तरीके की कोई बात नहीं है, जामिया के बच्चे तो बिल्कुल निर्दोष हैं, उन्होंने कोई इस तरीके की कोई काम ही नहीं करा। वो तो कह रहे हैं कि हमें दिखाओ, हमें बतलाओ, हमें उन्होंने कहा कि हमें तो एक भी बच्चा पकड़ के दिखा दो, अगर जो है मतलब हमारा जामिया का एक भी बच्चा मिल जाए। किसी के पास एक पत्थर भी नहीं था, सिर्फ प्ले कार्ड थे लोगों के पास, एक डंडा नहीं था किसी के पास। मेरा कहना यह है कि वो ऑरेंज टी शर्ट जीन्स और हेलमेट में लगाए हुए लोग, अब पुलिस का बुलेट पर जैकेट लिए हुए लोग, ये लोग कौन है, इनकी शनाख्त कौन करेगा? हमारा तो कहना यह है कि अगर गवर्नमेंट अपने आप में बहुत अच्छा अपनी छवि को साफ करना चाहती है, तो सीबीआई इनको ही बैठा दे, और सीबीआई इनको ही नहीं बैठाना चाहती है तो रिटायर्ड जज का एक पैनल बैठा दे, वो देख ले दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हम बताते हैं कि वो लोग कौन थे। ये लोग समझ रहे हैं, जुडिशरी जांच की मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से जामिया के साथ नाइंसाफी हो रही है, और एएमयू में भी लगातार इसी तरह की तस्वीरें बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि पीछे दिखाएं कि किस तरीके से इस एहतजाज में तिरंगा लहराया जा रहा है, लोग अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। अभी इसी सड़क पर कुछ देर पहले नमाज अदा की जा रही थी, कुछ हमारे गैर मुस्लिम भाई जब नमाज पढ़ रहे थे तो उन्हें रोक रहे थे कि आप इनके आगे से मत जाइए। ये हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है, ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, जो दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करके चल रहे हैं। बच कुछ सियासतदान लोग इस मुल्क की हवा और फिजा में नफरत का जहर घोलने से बाज नहीं आ रहे।